मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले बाराबंकी में पेरियल ललित सिंह यादव की मनाई गई भव्य जन्म जयंती। इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी रहे मौजूद। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बामसेफ के प्रदेश प्रभारी माननीय विकास चौधरी ने किया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की काबिलियत पर खड़े सवाल, शिक्षा मंत्री की उल्टी गणित सही साबित करने के लिए शिक्षिका के साथ किया अभद्र व्यवहार। शिक्षा मंत्री के गणित को देखकर सवाल तो यही है कि सारे कोहिनूर हीरा बीजेपी के पास ही क्यों, बीजेपी अनपढ़ों को शिक्षा मंत्री क्यों बनाती है। उड़ीसा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का तीसरा राज्य अधिवेशन। इस तीसरे राज्य अध्यक्षन की अध्यक्षता भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जहानाबाद के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जान से भारी खिलवाड़। अस्पताल में रात को डॉक्टर नहीं रहते मौजूद, प्रसूति पीड़ा से तड़पती रहती हैं महिलाएं। देखने वाले न तो डॉक्टर हैं और न ही कोई स्टाफ। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि यहां डॉक्टरों की भारी कमी है, जिसके चलते होती रहती है समस्याएं। गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में बहुजन मुक्ति पार्टी का महाराष्ट्र में एक दिवसीय उग्र धरना प्रदर्शन। पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। बिहार में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। अभी पटना में पुलिसकर्मी द्वारा बेवजह युवक को पीटने का मामला थमा नहीं था कि रोहतास के डेहरी में फिर गर्म हो उठा माहौल। सिंघम बनी एक महिला पुलिसकर्मी ने बेवजह दुकानदार पर बरसाने लगी लाठियां।